आपका क्वेश्चन है बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी? यस करेक्ट, पहली थी। तो जब हम बिटकॉइन का व्हाइट पेपर देखते हैं तो उसका टाइटल में ही लिखा हुआ है कि पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। तो बिटकॉइन वॉज इन्वेंटेड कि वो कैश का काम करे। वो इसलिए इन्वेंट नहीं हुआ था कि लोग उसको खरीद के रखें और उसकी वैल्यू आगे बढ़ेगी। ये एकदम गलत कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे लोग जो ये करते हैं तो फिर उनको लॉस भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। क्योंकि मैं आपको एक सिंपल लॉजिक देता हूँ। जब मैं कॉलेज में था तो पेट्रोल 10 रुपए लीटर होता था। तो सपोज उस टाइम पे मेरे पास 100 रुपए थे तो मैं पूरा टैंक फुल कर सकता था 10 लीटर पेट्रोल का। अब सपोज मैंने वो 100 रुपए का नोट अपने ड्रॉअर में लॉक कर दिया और आज इतने साल बाद अगर मैं वो बाहर निकालूं तो क्या उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? उसकी वैल्यू गिर चुकी है। आज 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल नहीं आता मुश्किल से। तो क्योंकि कैश धीरे धीरे अपनी वैल्यू घटाता है इन्फ्लेशन की वजह से, हम कैश को इन्वेस्टमेंट नहीं समझते हैं। बिटकॉइन वालों ने भी बोला कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक कैश है, तो भले इसकी वैल्यू ज्यादा ना गिरे, पर ये ज्यादा बढ़ेगी भी नहीं, ये नॉर्मल रहनी चाहिए ताकि लोग उसको रेगुलरली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर पाए। तो अभी तक तो कोई क्वेश्चन है? एकदम सिंपल, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यस नो डाल दीजिए नीचे चैट में तो मैं समझ जाऊंगा कि इट इज ऑल क्लियर। Awesome. अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए। अब एक और जो कॉन्सेप्ट है जो बहुत जरूरी है, अगर आप देखें तो मैंने स्क्रीन पे उसको हाईलाइट किया, उसको बोलते हैं डबल स्पेंडिंग। तो बिटकॉइन की क्रिएशन है डबल स्पेंडिंग रोकने के लिए। अब इसका क्या मतलब होता है? अब सपोज मैं 100 रुपए का नोट लेता हूं और आपको देता हूं। अब अगर वो 100 रुपए का नोट मेरे से चला गया तो मैं उसको फिर से तो यूज नहीं कर सकता हूं। मैं 100 रुपए के नोट को एक ही बार खर्च कर सकता हूँ या एक ही बार स्पेंड कर सकता हूँ। पर डिजिटल दुनिया में ऐसा नहीं होता है। अगर मैंने एक ईमेल बना या मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट लिया और उसमें टाइप किया कि मैं आपको 100 रुपए दूंगा और मैंने वो आपको भेज दिया, अब आप उसकी कॉपी पेस्ट करके 100 कॉपी बना सकते हैं और 100 बार मेरे को बोल सकते हैं मुझे 100 100 रुपए देते रहो। क्योंकि डबल स्पेंडिंग या एक ही चीज को कॉपी पेस्ट करना या डबल करना डिजिटल दुनिया में बहुत आसान है। इसीलिए बिटकॉइन से पहले कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं आई थी, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आया था कि ये डबल स्पेंडिंग रोकनी कैसे। पर बिटकॉइन ने जो टेक्नोलॉजी लाई है उसमें डबल स्पेंडिंग को उन्होंने सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी को आगे लाया है। तो दैट इज वाई हम बोलते हैं कि बिटकॉइन इस डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अभी तक कोई क्वेश्चन? एकदम सिंपल है। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। तो अब मैं आपको एक स्लाइड दिखाने वाला हूं, क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो जो होती है उसमें आपने सुना होगा एक हैश करके एक वर्ड होता है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये हैश होता क्या है। तो हैश समझने के लिए मेरे को एक सेकंड दीजिए, मैं एक अलग डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूं। सेकेंड। ओके क्या आपको एक दिख रहा है? एक पावर पॉइंट खुली है, उसमें हैश फंक्शंस लिखा है। आपको इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं। तो मैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की फील्ड से आता हूँ। तो जब साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन हम करते थे तो सपोज हमने किसी क्रिमिनल से लैपटॉप पकड़ा कि ये क्रिमिनल इस लैपटॉप के थ्रू या इस फोन के थ्रू कुछ क्राइम कर रहा था, तो कल को जब ये मैटर कोर्ट में जाएगा तो वो क्रिमिनल बोल सकता है कि पुलिस ने मेरे से लैपटॉप छीनने के बाद उसमें एविडेंस डाला मेरे अगेंस्ट जो नकली है। अब हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि पुलिस ने एविडेंस नहीं डाला है? क्योंकि अगर वो एक कन्वेंशनल क्राइम होता तो सपोज उसने चाकू मारा किसी को, तो वो चाकू को पुलिस कॉन्फिस्केट करती है, उस पे फिंगरप्रिंट निकालती है और चाकू को सेफली कोर्ट में दिखा सकती है और कोर्ट भरोसा कर सकता है ये वही चाकू है जो क्राइम सीन में मिला था। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर लाखों करोड़ों फाइल होती है। कोई भी नहीं बोल सकता कि ये फाइल नहीं बदली गई। तो वहां पे हम हैश फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं कि हम पूरा का पूरा जो कंप्यूटर हार्ड डिस्क होता है टेक्नोलॉजी के थ्रू वो हैश फंक्शन के थ्रू रन होता है और एक 64 कैरेक्टर कोड निकलता है। उसको हम नोट करते हैं पेपर पे, जो विटनेस है वो साइन करते हैं और बाद में कोर्ट में भले सालों बाद
वही हार्ड डिस्क को अगर फिर से हैश फंक्शन के थ्रू रन किया तो डिट्टो वही 64 कैरेक्टर आएगा और कोर्ट मानेगा कि हाँ इस लैपटॉप में पुलिस ने कोई भी फेक एविडेंस नहीं डाला। तो ये है हैश फंक्शन नॉर्मल लाइफ में, और इसी हैश फंक्शन को बिटकॉइन भी और हर ब्लॉकचेन भी यूज करती है। अभी तक क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? एक यस नो डाल दीजिए, अगर क्लियर है तो बोलिए ऑल क्लियर, तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ऑसम ऑसम, ऑल क्लियर। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसी को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि जो हैश फंक्शन है वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लेता है, पीडीएफ हो, वर्ड फाइल हो, ईमेल हो, कुछ भी हो, एक फिक्स्ड आउटपुट दे दी। क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल में जो दिखा रहा हूँ उस हैश फंक्शन का नाम SHA-256 है, तो वो 64 कैरेक्टर देता है। अगर कोई और फॉर्मूला होता तो वो ज्यादा या कम होता, पर वो कैरेक्टर चेंज नहीं होते। जब तक वही इनपुट है वो फॉर्मूला वही आउटपुट देगा, पर अगर आपने एक डॉट चेंज किया आउटपुट चेंज। अब ये है, सिंपल था। अब हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। इसका मतलब है कि हम कोई भी डेटा ले सकते हैं जैसे हेलो, पर हमें अगर वो डेटा को एनक्रिप्ट करना है, उसको जंबल करना है ताकि कोई समझ नहीं पाए। कि जैसे अगर सपोज मैं अपने शेयर द पीपीटी, यस आपको मैं पीपीटी लिंक दे दूंगा, आप देख पाएंगे। तो अब आप सोचो कि सपोज मैं एक कंप्यूटर पे बैठ के अपना यूजर नेम पासवर्ड टाइप करता हूं और वो कंप्यूटर इस डेटा को इंटरनेट पे भेज रहा है वाईफाई के थ्रू, तो जो क्रिमिनल होते हैं वो उस डेटा को एक्चुअली कॉपी कर सकते हैं जब वो वाईफाई पे के थ्रू जा रहा है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो ब्राउजर होते हैं वो इस डेटा को एनक्रिप्ट करके भेजते हैं, जंबल करके भेजते हैं, कि ताकि अगर उसको कोई हैकर पकड़ भी ले डेटा तो वो आपका पासवर्ड समझ नहीं पाएगा, वो एकदम जंबल्ड होगा। तो सिमेट्रिक एनक्रिप्शन में क्या किया जाता है, एक की बनती है जैसे पासवर्ड होता है, वो डेटा को जंबल करती है और वही की उस डेटा को खोल सकती है या अनलॉक करती है। तो सिमेट्रिक इसलिए बोला जाता है कि वही की लॉक भी करती है, वही की अनलॉक करती है। एकदम सिंपल। कोई क्वेश्चन है इस पे? क्लियर है तो बस क्लियर टाइप कर दो। ऑल क्लियर? बस एक कोई भी जन अगर क्लियर कर दो तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। ऑसम। नेक्स्ट आता है असिमेट्रिक। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, दो अलग अलग टाइप की होती है। और अगर आपने कभी जिंदगी में क्रिप्टो खरीदे हैं तो आपने भी देखा होगा कि प्राइवेट की पब्लिक की का नाम सुना होगा आपने। तो वो चलता ऐसे है कि डेटा को जंबल करने के लिए हम रिसीवर की पब्लिक की यूज करते हैं और डेटा को अनलॉक करने के लिए हम अपनी प्राइवेट की यूज करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपको मुझे कोई सीक्रेट मैसेज भेजना है तो सबसे पहले आप मेरी पब्लिक की लेंगे। ये पब्लिक की आपको बहुत अलग अलग जगह पे मिल सकती है, जैसे मेरी वेबसाइट पे भी मैं डाल सकता हूं, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू उस डेटा को मेरी पब्लिक की से लॉक करेंगे और मुझे ईमेल से भेज दो। कोई भी बंदा अगर उस डेटा को देखेगा उसको समझ नहीं आएगा, पर क्योंकि मेरे पास मेरी प्राइवेट की है मैं उस प्राइवेट की से इस डेटा को अनलॉक करके पढ़ सकूंगा। तो जिसके पास प्राइवेट की है सिर्फ वही उस डेटा को पढ़ सकेगा। अब इसका क्या आप मेरे को कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हैं? क्या आपने रियल लाइफ में ऐसा कहीं भी देखा है कि कोई चीज को लॉक करने के लिए एक की है और अनलॉक करने के लिए कोई दूसरी चीज लगती है? किसी ने कोई एग्जाम्पल दे सकता है मेरे को? व्हाट्सएप चैट। हाँ जरूर। वेल व्हाट्सएप चैट, वेरी गुड आंसर। पर व्हाट्सएप चैट में हमें वो की दिखती नहीं है, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो असिमेट्रिक एनक्रिप्शन यूज कर रहे हैं कि जो आपका डेटा जा रहा है उसको सिर्फ आपका फ्रेंड पढ़ सकता है बिकॉज उसके पास वो की है। SHA नहीं, SHA ये एग्जाम्पल नहीं है, SHA एक अलग चीज है। बैंक लॉकर, अगर आपने कभी बैंक में लॉकर खोला होगा तो जब आप बैंक लॉकर खोलने जाते हैं आपको दो की चाहिए, एक आपकी की और एक मैनेजर की, पर जब आप लॉकर बंद करते हैं तो एक ही की चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, तो वो अलग अलग हो गई। तो वो भी एक असिमेट्रिक एग्जाम्पल हो गया, सिंपल सा। अब नेक्स्ट स्टेप जाते हैं और ये कॉन्सेप्ट है डिजिटल सिग्नेचर। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डिजिटल सिग्नेचर नाम लिखा हुआ है और एक डायग्राम है जो मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो डिजिटल सिग्नेचर में ऐसा होता है कि जो भी ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको हम अपनी प्राइवेट की से साइन करते हैं, फिर वो बन जाता है साइन टेक्स्ट। और
कोई भी अगर उसको वेरीफाई करना चाहे वो हमारी पब्लिक की से वेरीफाई कर सकता है। अगर आपने कभी भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल किए हैं तो एक्चुअली वो डिजिटली साइन हो रहे हैं। आपको शायद रियलाइज नहीं होता है पर आप डिजिटली साइन करते हो, आपका ओरिजिनल रिटर्न है, आपने अपनी प्राइवेट की यूज की जो सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं होनी चाहिए, उसको साइन किया, आपका डिजिटल सिग्नेचर बना और ये डिजिटल सिग्नेचर और आपकी रिटर्न गवर्नमेंट के पास जाती है और गवर्नमेंट भी टेक्नोलॉजी के थ्रू आपकी पब्लिक की यूज करके वेरीफाई करती है कि या आपने ये साइन किया था या नहीं साइन किया था। एनी क्वेश्चंस डिजिटल सिग्नेचर पे? एकदम क्लियर है? अगर क्वेश्चन है तो टाइप कीजिए, नहीं तो क्लियर है तो क्लियर डाल दीजिए नीचे। कोई भी एक बंदा क्लियर डाल दे तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके वेरी गुड। तो अब है डिजिटल सिग्नेचर का एक एग्जांपल लिखते हैं। तो ये जो है एक एग्जांपल है एक प्राइवेट की का जिसके साथ आप साइन करने वाले हो, तो वो ऐसे कुछ जंबल सा टेक्स्ट दिखता है, फिर उसके नीचे आपको पब्लिक की दिख रही है वो भी ऐसी कुछ जंबल टाइप दिख रही है और ये है डेटा जिसको फिर हम डिजिटली साइन करने वाले हैं। तो ये भी आपको दिख रहा है कि ये भी एकदम एक जंबल टेक्स्ट जैसा आपको वो दिख रहा है। तो ये ऐसे एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने आपको दिखाया। तो किसी ने पूछा आईटीआर में कब साइन होता है? ओके, ये दिखता नहीं है आपको क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो खुद का नहीं साइन करते, उनका सीए साइन करता है। तो आपने देखा होगा सीए आपसे अपनी आपकी एक पेन ड्राइव मांगेगा। अगर आपने कभी, अगर आप जैसे कंपनी चलाते हैं तो कंपनी के रिटर्न फाइल करते हैं तो सीए बोलता होगा आपको एक पेन ड्राइव दो, उसमें आपकी की होती है और आप उसको देते हो और वो कनेक्ट करके बटन दबा के आपके लिए डिजिटली साइन करता है। तो इसलिए शायद बहुत लोग उसको नहीं देखते हैं। पब्लिक की कैन बी यूज्ड बाय स्पेसिफिक पर्सन। तो पब्लिक की दुनिया में कोई भी आपकी डाउनलोड करके देख सकता है, उसमें कोई सीक्रेट नहीं होता है। प्राइवेट की सीक्रेट होती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये कीज जनरेट करना मुश्किल नहीं है। तो मैंने एक सॉफ्टवेयर यूज किया जिसका नाम है जीपीजी, तो मैं उसका नाम चैट में डाल दिया है, आप उसको बाद में डाउनलोड करके ट्राई भी कर सकते हैं, वो आराम से आपके कंप्यूटर पे चलेगा। तो एक एक सेकंड दीजिए मेरे को, एक सेकंड। एक सेकंड दीजिए मेरे को, आपको आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन पे ये फॉर्म जो भरा हुआ है मैंने? ओके, अब किसी ने पूछा है कि इसकी लेंथ कितनी होती है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में हमने लेंथ 4096 डाली है। तो सॉफ्टवेयर हमें चूज करने देता है कि हमें कितनी बड़ी की चाहिए और जितनी मैक्सिमम सपोर्टेड है सॉफ्टवेयर से हमें वही लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी की उतना वो ज्यादा सिक्योर होती है और उसको क्रैक करना उतना मुश्किल होता है। और एक और चीज है कि इस की के ऊपर हम एक पासवर्ड भी लगा सकते हैं ताकि अगर किसी को मिल भी गई तो बिना पासफ्रेज के उसको मिसयूज नहीं करने देगा। प्राइवेट की में कहाँ है, मेरे लैपटॉप पे? अच्छा, तो अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ऋतु का क्वेश्चन है कि प्राइवेट की कहाँ दिखती है, तो अगर आपने कभी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है तो आपको एक पेनड्राइव आई होगी कुरियर से जब आपने सारे डॉक्यूमेंट भरे होंगे। तो आपकी प्राइवेट की जो है वो आपके ब्राउजर में होती है और जो बाकी डेटा है वो उस पेनड्राइव में आपको आता है। तो प्राइवेट की जो है वो आप ही के पास सेफ रहती है, जिसको आप बाद में ऑफकोर्स पेनड्राइव में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो लिंक टू द जीपीजी, तो जीपीजी में क्या, हाँ जरूर मैं डाल दूंगा लिंक, बट वो मैक के लिए अलग लिंक है और विंडोज के लिए अलग, पर फिर भी मैं आपको डाल दूंगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो कीज होती हैं वो ऐसी दिखती हैं जो आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक बहुत सारा जंबल टेक्स्ट है, वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा नंबर है, कंप्यूटर के लिए एक नंबर है पर हमें वो ऐसा फॉर्म में दिखता है। अमित का क्वेश्चन, अमित का जो क्वेश्चन है कि क्या हैश को हम साइफर की बुला सकते हैं? नहीं, वो दो अलग अलग चीजें हैं। ये जो कीज है ये बहुत अलग है, ये रैंडमली जनरेट होती है, पर हैश जो है वो एकदम फिक्स्ड मैथमेटिकल फॉर्मूला से चलती है। तो मैं किसी की की गेस नहीं कर सकता हूं, पर हैश बहुत इजीली मैं बना सकता हूं। तो वो दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो ये जो आप एग्जांपल देख रहे हैं ये एक पब्लिक की है, बहुत लंबी होती है, मैं उसको छोटा सा पार्ट दिखा रहा हूं।
फिर उसके बाद प्राइवेट की है, ये भी अगर आप देखें ऊपर लिखा है प्राइवेट की, ये भी एक बहुत बड़ा जंबल सा है, तो दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट कंप्यूटर इसको बहुत इजीली समझ जाता है। अभी एक और अगर हम करें तो मैंने अभी क्या किया है, अपने कंप्यूटर पे एक फाइल थी जिसको मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन खोल दिया, क्योंकि मैंने ये जीपीजी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो वो मुझे ये ऑप्शंस दे रहा है कि आप क्या करना चाहते हो, साइन करना चाहते हो, एनक्रिप्ट, तो मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। अगर आप देखें तो ऑप्शन दो जो है नीचे सेकंड वाली, उसमें है साइन फाइल, तो जब मैं उसको क्लिक करता हूं तो वो मेरे को पूछता है कि आपके कंप्यूटर पे आपके पास ज्यादा प्राइवेट कीज हैं, कौन सी वाली के साथ आपको लॉक करना है, तो मैं वो वाली सिलेक्ट करता हूं, नेक्स्ट जाता हूं और वो ऐसा सिग्नेचर बना देता है, तो मुझे मैन्युअली नहीं करना पड़ता, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली मेरे लिए कर देता है, और ये हमारा सिग्नेचर है जो ऐसे दिखता है, और सामने वाला इसको वेरीफाई जब करने जाता है तो वो भी ऐसे राइट क्लिक करेगा, बोलेगा वेरीफाई, और उसके बाद उसको वो सॉफ्टवेयर दिखा देगा ग्रीन में अगर वो वेरीफाई है, अगर किसी ने चेंज किया डेटा या सिग्नेचर के साथ मॉडिफिकेशन की तो वो रेड में फेल्ड करके आ जाएगा। एनी क्वेश्चंस? एकदम क्लियर है या कोई क्वेश्चंस हैं आपके? क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पूछिए, क्लियर है तो क्लियर वर्ड लिख दीजिए। कैन समवन जस्ट टाइप इन क्लियर, या अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। क्लियर, ऑसम, ओके, वेरी। अब मैं आपको एक थोड़ा आगे लेके जाता हूं, अब हम चलते हैं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज में, और ये है प्रूफ ऑफ वर्क। तो आपने देखा होगा कि प्रूफ ऑफ वर्क वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा कि बिटकॉइन में प्रूफ ऑफ वर्क यूज किया जाता है, क्या आपने सुना है इसके बारे में प्रूफ ऑफ वर्क? तो यस बताइए, अगर आपने कभी भी नहीं सुना तो नो बताइए, तो मेरे को भी आइडिया लगेगा कितने लोगों ने पहले इसके बारे में जाना है। ओके बाकी लोग भी टाइप कर सकते हैं यस या नो। ओके वेरी गुड, तो आपने सुना होगा कि प्रूफ ऑफ वर्क में जो माइनर होते हैं वो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो आप सोचते होगे ये कौन सी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जिसके लिए सॉल्व करने के लिए उनको लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं बिटकॉइन से, तो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम दिखती कैसे है। तो जो अभी आपके स्क्रीन पे है आपको दिख रहा होगा, लिखा होगा प्रूफ ऑफ वर्क, तो ये जो फॉर्मूला है प्रूफ ऑफ वर्क का, ये 1990s में किसी ने इन्वेंट किया था, और उसने जो ये इन्वेंट किया था वो बिटकॉइन के लिए नहीं किया था, बिटकॉइन तो बहुत बाद में आई, ये तो बिटकॉइन के 15-20 साल पहले इन्वेंट किया था। तो इसको जो इन्वेंट किया गया था उसके पीछे लॉजिक था कि जो ईमेल स्पैमर होते हैं, जो लाखों करोड़ों ईमेल लोगों को भेजते रहते हैं, आपने सुना होगा ईमेल स्पैमिंग के बारे में, यस नो बताइए मेरे को, ईमेल स्पैम जिसमें लोग आपको ऐसी बहुत सारी कुछ भी बेचने के लिए बहुत सारी ईमेल भेजते रहते हो, आपने सुना है, गुड। तो उसके पास वो ये ऐसा सोच रहा था कि जो स्पैमर है वो बटन दबा के लाखों करोड़ों ईमेल भेज सकता है, क्या हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं जिससे ईमेल भेजते टाइम उसको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़े और वो कैलकुलेशन टाइम ले ताकि वो एक बटन दबाने से लाखों ईमेल नहीं भेज सके, वो बटन दबाए तो बहुत धीरे धीरे ईमेल जाए, ये उसका थॉट था, और उसको सॉल्व करने के लिए उसने ये फॉर्मूला निकाला। तो उसको हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम सेंडर की ईमेल ले सकते हैं, रिसीवर की ईमेल ले सकते हैं, ये ईमेल कब जा रही है डेट और टाइम वो टाइम स्टैम्प लेते हैं, और लास्ट में एक नंबर जोड़ते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 ऐसा भरेगा। तो ये आपको अगर इनपुट दिख रही है तो मैंने यहां पे एक ईमेल आईडी लिया है sanya@example.com, फिर मैंने एक छोटा सा सिंबल बीच में डाला, फिर मैंने लिखा samaira@example.com, फिर मैंने ये टाइम लिखा, ये यूनिक्स टाइम स्टैम्प फॉर्मेट में है, और उसके बाद मैंने लिखा 0। अब इस पूरी लाइन को अगर मैं SHA हैश फंक्शन के थ्रू डालता हूं तो जो हैश निकलती है वो ये है, पर हमने बोला है कि हमारे फॉर्मूला में ये जो हैश है उसमें 4 0 होने चाहिए, तो अगर मैंने ये 0 डाला तो क्या 4 0 से शुरू हो रहा है ये, मेरे को आप यस या नो बताइए, क्या 0 नॉन्स के साथ जब इस पूरी लाइन को मैंने हैश में डाली तो क्या वो 4 0 से शुरू हो रही है? नहीं शुरू हो।
अगर मैं इस जीरो को वन कर दूं तो अब क्या वो चार जीरो से शुरू हो रही है? यस और नो? करेक्ट आंसर इज नो। पर अगर मैं इस जीरो वन टू थ्री को आगे बढ़ाते जाऊं तो जब मैं 16100 में पहुंचता हूं तो अब मुझे दिख रहा है कि ये हैश चार जीरो के साथ शुरू हो रही है। अब आपको दिख रहा है ये चार जीरो के साथ? अगर आपको दिख रहा है तो यस बताइए मेरे को। करेक्ट। तो जब हमको ये नॉन्स मिला तो हम बोल सकते हैं कि इस ईमेल को भेजने के लिए नॉन्स है 16100, ये जो लास्ट में रेड कलर का नंबर है। तो जैसे आप देख सकते हैं, पहले जब वो ईमेल हम भेज रहे थे, अगर हमें ये कैलकुलेट नहीं करना था तो हम एक बटन दबा के मिलियनों ईमेल भेज सकते थे, पर अब क्योंकि हमें कैलकुलेट करना पड़ रहा है, हर बार ये कैलकुलेशन टाइम लेती है, तो वो हमारी ईमेल भेजने की स्पीड स्लो स्लो होती जाएगी। तो प्रीति का यहां पूछना है कि क्या ये नॉन सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट होता है? यस। तो आपने सुना होगा जो माइनर होते हैं उनके पास माइनिंग हार्डवेयर होता है, बहुत महंगी महंगी मशीनें होती है, उन मशीनों के अंदर स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो ये कैलकुलेशंस करता है। तो ऐसे करके वो नंबर कैलकुलेट करता है, और जैसे आपने सुना है कि जो माइनर होते हैं उन्हें मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उन्हें ये सॉल्व करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स बिटकॉइन के केस में वो ईमेल एड्रेस नहीं होते, वहां पे कुछ और डेटा होता है जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, पर कैलकुलेशन ऐसी ही है। बहुत सारे माइनर हैं जो एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन में लगे होते हैं ये देखने के लिए कि सबसे पहले कौन इस नंबर को कैलकुलेट कर सकता है। तो अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्टिकुलर चीज के लिए एक ही नॉन्स चलती है। अगर आप एक एग्जांपल देखें अपनी स्क्रीन पे तो हमने तो देखा था नंबर 16100, पर ये जो दूसरा नंबर है 202312 ये भी चलेगा, 290121 ये भी चलेगा। तो कोई भी ब्लॉक के लिए जो नॉन्स है वो बहुत अलग अलग टाइप की हो सकती है, और ये सारी नॉन्स सही है। गेम ये होती है कि सबसे पहली नॉन्स कौन कैलकुलेट करता है, नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट करता है, और बाकी लोग उस नॉन्स को मान के आगे चलते हैं। तो वो होती है मेन माइनिंग की स्पेशलिटी। अभी तक आपको पूरा समझ में आया? कोई भी क्वेश्चंस है तो पूछिए, बिकॉज ये यूजली ठीक है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लोगों के लिए। तो अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप मेरे को टाइप करके पूछिए, और अगर क्लियर है तो आप क्लियर वर्ड डाल दीजिए। या तो क्वेश्चन या तो कोई अगर क्लियर वर्ड डाले। हाँ ओके, ऑल क्लियर, वेरी गुड। तो अब हम थोड़ा एक स्टेप इसको अगर आगे लेके जाते हैं, तो जो प्रूफ ऑफ वर्क की ब्लॉकचेन है, जैसे बिटकॉइन का हम एक अगर एग्जांपल लेते हैं, किसी ने बोला है कैन डिफरेंट नॉन्स बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम? यस, अलग अलग नॉन्स यूज करी जा सकती है। तो अब अगर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि बिटकॉइन की दुनिया में ये कैसे दिखता है, ठीक है? क्योंकि ईमेल की दुनिया में तो हम समझ गए, पर हमें अब बिटकॉइन सीखनी है। तो आपको जैसे पता होगा कि बिटकॉइन में ब्लॉक बनते हैं, तो जो सबसे पहला ब्लॉक है उसको ब्लॉक नंबर जीरो बोला जाता है, या जेनेसिस ब्लॉक। पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम जिस ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी ब्लॉक नंबर 18 तक पहुंच गई है, ठीक है? ब्लॉक 0 1 2 3 वो ऑलरेडी निकल गए हैं। तो हम देखते हैं कि ब्लॉक के अंदर होता क्या है। तो जो ब्लॉक होता है उसके दो हिस्से होते हैं, जो आपको ऊपर दिख रहा है उसको हम बोलते हैं हेडर, जो आपको नीचे दिख रहा है वो है मेन डेटा। तो जो हेडर है उसमें हमें ज्यादा इंटरेस्ट है। तो उसमें चार कोर चीजें होती है, इंपॉर्टेंट चीजें। एक है पिछले ब्लॉक का हैश, दूसरा है इस ब्लॉक की टाइम स्टैम्प कि ये ब्लॉक कब बना, एक है नॉन्स जिसको हम समझ चुके हैं, और फिर एक चौथी चीज है कि इस ब्लॉक में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उनका मेन हैश। तो सपोज इस ब्लॉक में चार ट्रांजैक्शन हुई थी, आपको नीचे दिख रहा होगा ये लाल कलर में ट्रांजैक्शन 1 2 3 4 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सपोज हम चार लोग हैं और हमने थोड़ी थोड़ी कोई ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन में लिखा होगा किसने किसको कितने पैसे दिए, वो ट्रांजैक्शन का हैश निकलता है। तो ट्रांजैक्शन 1 का ये हैश, 2 का ये, 3 का ये, और 4 का ये।
अब हमारे पास चार अलग अलग हैश आ गई। अब क्या करता है सिस्टम, हैश वन और हैश टू को ज्वाइन करता है और उनको मिला के एक और हैश निकालता है, 3 4 को ज्वाइन करके एक और निकालता है, फिर इन दोनों को ज्वाइन करेगा। ऐसे वो ज्वाइन करते करते फाइनली एक हैश बचेगी, उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन रूट, या हम बोल सकते हैं मर्कल रूट, और वो चौथा आइटम है जो ब्लॉक हेडर में जाता है। और इन चारों चीजों को मिला के हैश करके अगले ब्लॉक को बनाया जाता है। तो अगले ब्लॉक को पता है कि 17 नंबर की ये जो चार चीजें थी इनको ज्वाइन करके जो हैश बना है वो अब मेरे पास आ गया है, और 16 नंबर का वो डेटा 17 के पास आ गया। इसीलिए हम इसको ब्लॉक चेन बोलते हैं, ब्लॉक्स की चेन बन गई और हर ब्लॉक को पता है कि उसके पहले ब्लॉक कौन है। तो 17 को मालूम है कि जो 16 है उसका हैश क्या है, 18 को मालूम है कि 17 का क्या है, इसीलिए आप इसके बीच में एक नकली ब्लॉक नहीं डाल पाएंगे। अगर आप डालेंगे तो वो ब्लॉकचेन पकड़ लेगी कि इसमें कुछ गलत है क्योंकि डेटा मैच नहीं हो रहा। तो ये है बिटकॉइन या ब्लॉकचेन का कोर सिस्टम, प्रूफ ऑफ वर्क कैसे चलता है उसके अंदर। एक क्वेश्चन है कि स्टार्ट ऑफ वन ब्लॉक इज अटैच्ड चेंज टू द लास्ट ब्लॉक। तो मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं पाया हूँ, एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं कि जो जो पहला ब्लॉक होता है जिसको ब्लॉक जीरो बोला जाता है उसमें ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि वो क्रिएट किया जाता है फाउंडर ऑफ द ब्लॉकचेन से, उसके पहले कोई ब्लॉक था नहीं, उसके आगे ब्लॉक्स में ये रूल लगना शुरू होता है। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो अब बिटकॉइन की दुनिया में क्या होता है कि सपोज ये ब्लॉक बन रहा है तो ब्लॉक जो है वो एवरेज करके 10-10 मिनट में बनते हैं, ठीक है। तो बिटकॉइन बनाने वाले ने जो फॉर्मूला डाला था उसमें उसने ये बोला है कि हर ब्लॉक को अंदाजन 10 मिनट लगने चाहिए, पर कभी कभी ज्यादा टाइम लग सकता है, कभी कम टाइम लग सकता है, बिकॉज ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई गारंटी तो दे नहीं सकता इसकी। तो उसने जो लॉजिक ये बनाया कि हर 2 हफ्ते के बाद, मतलब एवरेज जब 2016 ब्लॉक बन गए होंगे, 2016 ब्लॉक्स, फिर जो सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर है वो अपने आप चेक करता है कि एवरेज 2 हफ्तों में कितना टाइम लग रहा था एक ब्लॉक बनने में। तो सपोज उसको आंसर मिलता है 12 मिनट, तो हम क्या बोल सकते हैं कि डिफिकल्टी ज्यादा है, 10 की जगह 12 मिनट लग रहे हैं, तो सिस्टम वो डिफिकल्टी को कम करता है। और अगर उसको लगता है कि अरे ब्लॉक तो 8 मिनट में बनने लग गए, मतलब सिस्टम बहुत ईजी है, तो वो सिस्टम की डिफिकल्टी को और आगे बढ़ाता है। मैं आपको दिखाऊंगा इसका क्या मतलब होता है डिफिकल्टी का। तो हर 2 हफ्तों में ये एडजस्ट होती रहती है ताकि एवरेज 10-10 मिनट में होते रहे। व्हाट इज द पैरामीटर टेकन फॉर जनरेटिंग हैश ऑफ जेन। तो जेनेसिस ब्लॉक में क्या होता है, प्रीवियस हैश होती नहीं है पर उसमें टाइम स्टैम्प था, तो और एक ट्रांजैक्शन भी थी, और वो ट्रांजैक्शन है कि जो क्रिएटर है उसको हमने कुछ दे दिया, तो वो सब चीजों को लेके उसका हैश जनरेट हुआ, और उसके बाद हर ब्लॉक में ये एक और चीज ऐड होगी जो है प्रीवियस हैश। बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पहला ब्लॉक था वो कैसा दिखता है और उसमें क्या क्या डेटा है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी तक अभी इसमें और कोई क्वेश्चंस हैं आपके पास? तो जैसे हम देख रहे हैं ये पूरा एक ऑर्डर बन रहा है ब्लॉक्स का, इसकी वजह से हम ट्रांजैक्शन को चेंज नहीं कर पाते, ऑर्डर बदल नहीं पाते हैं, पूरा एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को पूरा समझ जाता है कि मेरे आगे कौन आ रहा है। कोई भी क्वेश्चंस है इसमें कि एकदम क्लियर है मेरे को, या तो आप क्वेश्चन बताइए। अच्छा, नॉन्स इज कैलकुलेटेड और इन ट्रांजैक्शन नहीं, नॉन्स जो कैलकुलेट होता है वो पूरे ब्लॉक के लिए एक ही है, तो ट्रांजैक्शन का हैश निकल रहा है, उनको सबको आगे करते करते एक रूट हैश हमने डाल दिया और फिर एक ही नॉन्स कैलकुलेट होगा पूरे ब्लॉक के लिए। तो भले इस ब्लॉक में 1000 ट्रांजैक्शन थी, नॉन्स एक ही रहेगा। प्रीति, आई होप ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया उसमें। अगला क्वेश्चन, या तो फिर क्लियर बता दीजिए। ओके, तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि आपको समझ गया है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ये डिफिकल्टी के बारे में। तो हमने बोला कि सिस्टम को समझ में आया कि भाई ये ब्लॉक 10 मिनट की जगह 12 मिनट में था तो मैं डिफिकल्टी बढ़ाऊं, 10 की जगह 8 मिनट में हो रहा है तो मैं डिफिकल्टी कम करूं,
तो अब हमें ये समझना है कि ये डिफिकल्टी होती क्या है। एक क्वेश्चन है कि सर एक ब्लॉक में कितने ट्रांजैक्शन होते हैं, तो ये ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंड होता है। अलग अलग ब्लॉकचेन में अलग नंबर होते हैं। और एक और चीज आपको थोड़ी सरप्राइजिंग लगेगी कि हर ट्रांजैक्शन का साइज सेम नहीं होता है। तो ऐसे हम फिक्स नहीं बोल सकते कितनी ट्रांजैक्शन जाएगी, हम बोल सकते हैं कितनी बाइट्स या कितना डेटा टोटल ब्लॉक में जा सकता है, और वो अमाउंट है मैं आपको कैलकुलेट करके आगे थोड़े स्लाइड्स के बाद दिखाऊंगा। तो वो नंबर एक्चुअली चेंज होते रहता है। तो वी विल कम टू दैट। तो अब हम समझते हैं कि ये डिफिकल्टी वर्ड का मतलब क्या है। तो डिफिकल्टी का मतलब है कि अभी जो करंट ब्लॉक चल रहा है उसको सॉल्व करना जेनेसिस ब्लॉक के कंपैरिजन में कितना मुश्किल है। हाउ मेनी टाइम्स कि अगर हम बोले कि जेनेसिस ब्लॉक कैलकुलेट करना 1 था और ये 10 है, तो हम बोलते हैं डिफिकल्टी लेवल 10, मतलब 10 गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको बोलते हैं हम डिफिकल्टी। और डिफिकल्टी को समझने के लिए मैं आपको पहले समझाता हूँ कि हेक्साडेसिमल क्या होता है। आपको याद है थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि ये हैश एक्चुअली एक नंबर होता है, हमें उसके अंदर एबीसीडी दिख रही है। तो ये क्या होती है, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट। तो जैसे हम नॉर्मल इंसान है तो हम डेसिमल सिस्टम यूज करते हैं, उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होता है। फिर हम लिखते हैं 10। 10 को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 1 एंड 0 को साथ में जोड़ते हैं, 11 इज 1 एंड 1, ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। पर हेक्साडेसिमल थोड़ा अलग है, 0 to 9 नॉर्मल लिखा जाता है, पर 10 की जगह हम लिखते हैं ए, 11 की जगह हम लिखते हैं बी, 12 की जगह सी, 13 की जगह डी, 14 की जगह ई और 15 की जगह एफ। इसीलिए ये दिखने में थोड़ा अलग लगता है। तो जहां 13 लिखने के लिए हमें 1 एंड 3 जोड़ना है, हेक्साडेसिमल में होता है डी। और अब हम देखते हैं कि जो नंबर 500 है उसको हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है 1F4। अब ये एफ कैपिटल हो या स्मॉल फर्क नहीं पड़ता। फिर 1000 ऐसे लिखा जाएगा, बड़ा सा नंबर आ गया, ये और बड़ा नंबर आ गया। तो ये कॉम्प्लिकेट होते गया, दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है पर अल्टीमेटली एक नंबर है। तो जो हैश है 64 डिजिट लंबी है, दिखने में ऐसी है पर कंप्यूटर उसको एक नंबर जैसा समझता है। क्या आपको ये एकदम क्लियर समझ में आ गया? मैं आपको एक लिंक पेस्ट कर रहा हूं चैट में, अगर आप इस लिंक पे बाद में जाएंगे तो आप कोई भी नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका डेसिमल से लेके हेक्साडेसिमल कैसे होता है। तो आप उसको बाद में आराम से ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम समझेंगे कि ये पूरी डिफिकल्टी का जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे फिट आ रहा है। तो जो ब्लॉकचेन होती है वो मैंने आपको बोला था हर 2 हफ्तों में या अप्रोक्सीमेटली हर 2016 ब्लॉक के बाद वो टारगेट सेट करती है कि जो डिफिकल्टी टारगेट है वो कितना लंबा है। तो याद है मैंने आपको दिखाया था कि जो हम देख रहे थे प्रूफ ऑफ वर्क में उसमें कितने जीरो थे, किसी को याद है जब मैंने ईमेल में एग्जाम्पल दिखाया तो कितने जीरो थे? नहीं, 20 नहीं थे। हम जब सैंपल कर रहे थे 4, एब्सोल्युटली करेक्ट, तो हम 4 जीरो बात कर रहे थे, पर बिटकॉइन की दुनिया में 4 बहुत कम है, वो ज्यादा जीरो मानते हैं। तो सिस्टम ने बोला है कि अभी हमारी जो करंट टारगेट है उसमें इतने जीरो होने चाहिए। तो हम गिन सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 जीरो लगे हुए। तो 20 जीरो को हम अगर हेक्साडेसिमल में लिखें तो वो नंबर ऐसा दिख रहा है, बट उसको अगर हम नॉर्मल डेसिमल में दिखें तो वो ऐसा लगता है। तो जो ब्लॉक है जो हम माइन कर रहे हैं, क्योंकि उसमें इतने जीरो होने चाहिए, हमें ज्यादा टाइम लगता है कैलकुलेट करने में। और ये जो नंबर है अगर आप उसको देखें तो ये नंबर इस नंबर से कम है। ये देखो डेसिमल में देखें और डेसिमल में देखें, तो ये नंबर अगर आप देखें एंड में 2 डिजिट कम है, तो ये ब्लॉक का जो है नॉन्स है वो या हैश है वो इस नंबर से छोटा है, इसीलिए हम इसको वैलिड मानते हैं। क्योंकि बिटकॉइन डिफिकल्टी में टारगेट सेट करती है ब्लॉकचेन, और माइनर जो हैश कैलकुलेट कर रहा है उसे टारगेट से नीचे करना है, और वो मतलब है उतने जीरो उसको नीचे करने हैं। तो ये होता है उसका कैलकुलेशन का लॉजिक। और जहां जैसे मैंने आपको समझाया कि ये जो टारगेट है हर 2016 ब्लॉक के बाद
सेट होता है, और 2016 ब्लॉक बनने में अंदाजन 2 हफ्ते लगते हैं। गारंटी नहीं है, थोड़ा ज्यादा भी लग सकते हैं थोड़ा कम भी, पर अप्रोक्सीमेटली 2 हफ्ते लगते हैं। तो ये होती है डिफिकल्टी की कैलकुलेशन। एकदम क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चंस है? क्लियर है तो आप क्लियर बोलिए। अच्छा, जगदीश बोलता है नो। क्वेश्चन बताइए आपका, फिर मैं आपको थोड़ा फिर से समझाऊंगा, या मैं फिर से समझाऊं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि डिफिकल्टी का कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगा? नाम भी उसका डिफिकल्टी है, तो थोड़ा तो मुश्किल है ही वो। ओके, आई विल रिपीट। तो देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि जो हम हैश कैलकुलेट कर रहे हैं वो हैश डिफिकल्टी लेवल से नीचे होनी चाहिए। तो सपोज सिस्टम हमारा चल रहा है, वो ब्लॉक कैलकुलेट कर रहा है और 2 हफ्ते बीत गए, और फिर सिस्टम देखता है कि यार पिछले 2 हफ्तों में कितना टाइम लगा, तो उसे पता चल रहा है कि एवरेज में 12-12 मिनट लग रहे थे। तो बोलता नहीं, चूंकि ब्लॉक मुश्किल हो गए हैं तो माइनर को 10 की जगह 12 मिनट लग रहे हैं, तो मैं डिफिकल्टी लेवल नीचे करता हूं। तो ये जो टारगेट का नंबर है, उस टारगेट के नंबर को वो इजी करेगा, और अगर ब्लॉक्स जल्दी जल्दी बन रहे हैं तो वो टारगेट डिफिकल्टी को बढ़ा देगा, और वो उस डिफिकल्टी को ऐसे नंबर इशू कर देता है पूरी चेन को, सॉरी। और उसके बाद जो माइनर है उनका जो सॉफ्टवेयर है, जब वो कैलकुलेट करता है तो वो ऑलवेज चेक कर रहा है कि जो मैंने हैश निकाला है क्या वो इस टारगेट डिफिकल्टी से कम है, अगर हाँ तो वो वैलिड है, अगर ना तो वो वैलिड नहीं है। आई होप थोड़ा क्लियरली समझ में आ गया। डोंट वरी, अगर आपको नहीं समझ में आया तो बाद में आप ये वीडियो एक बार फिर से देखिए तो काफी समझ में आएगा। नितिन का क्वेश्चन है कि ये चेंजेस डिफिकल्टी में कौन कर, ये एल्गोरिथम करता है। यही खासियत है ब्लॉकचेन के सॉफ्टवेयर की कि वो अपने आप इस सिस्टम को एडजस्ट करते रहता है। तो अब मैं आज के लिए नया टॉपिक नहीं लूंगा, इसी के ऊपर आपको थोड़े एक दो और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक, तो पहले मैं शेयरिंग बंद करता हूं। अब आई एम श्योर आप मुझे देख सकते हैं। टारगेट इज ओनली नंबर ऑफ जीरोस ऑन पर्टिकुलर हैश। टारगेट सिर्फ जीरो नहीं है, टारगेट वो लंबा सा नंबर है जो हेक्साडेसिमल में डिक्लेयर किया गया है। उसमें सर्टन नंबर ऑफ जीरो शुरू में आते हैं ताकि वो नंबर छोटा छोटा होते जा रहा है। तो इट इज अ पर्टिकुलर लंबा सा हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। हैश भी एक नंबर ही होती है, सिर्फ हेक्साडेसिमल में, इसलिए ABCD बीच में दिख रही थी आपको, ठीक है। तो अब माइनर जो है, बहुत सारे माइनर होते हैं दुनिया में, वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं कि बॉस पहले मैं निकालूंगा, और जो पहले निकालेगा वो जीत सकता है। बट आप सोचते होंगे, इज इट पॉसिबल कि एक ही ब्लॉक के मल्टीपल नॉन्स हैं, वो तो हमें पता है, पर अलग अलग माइनर उसी टाइम पे करेक्ट नॉन्स निकालें, क्या ऐसा हो सकता है? यस या नो, कोई आंसर कर सकता है क्या? मल्टीपल माइनर, यस। तो ऋतु का आंसर है यस, एंड दैट इज करेक्ट, पॉसिबल, और इनफैक्ट ऐसा बहुत होता है। पर अब अगर ऐसा हो गया तो मतलब हमारी जो एक ब्लॉकचेन थी वो 6 टुकड़ों में कट गई, बट गई, अब 6 ब्लॉकचेन चलने लग गई है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक की 6 या 10 ब्लॉकचेन बनने लग जाए? व्हाट डू यू थिंक कैन बी हैव कि मल्टीपल ब्लॉकचेन चल रही है एक टाइम पे? एक्चुअली ऐसा होता है, हर बार हो रहा है, तो आपको सरप्राइजिंग लगेगा पर होता है ऐसा। और इसको प्रूव करने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो बहुत साल पहले मैं बैंगलोर में जब जाता था तो वहां पे एक कॉफी शॉप थी। अगर मैं उस कॉफी शॉप में जाऊं तो वो मेरे को पूछता है एंट्री पे सबको कि क्या पेमेंट पेटीएम में करने वाले या बिटकॉइन में। अगर मैं बोलता हूँ पेटीएम, तो वो बोलता है आ जाओ पहले पी लो, बाद में कॉफी में पैसे दे देना। पर अगर मैंने बिटकॉइन बोला तो वो बोलता है पहले पैसे दो, बाद में आप अंदर आके बैठो। और इसके पीछे रीजन यही था कि पेटीएम की ट्रांजैक्शन 2-5 सेकंड में हो जाती है, पर बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन कम से कम 1 घंटा वेट करते हैं हम। क्या आपको पता था कि हम 1 घंटा वेट करते हैं? एनीवन? यूजली आपको बोला जाता है कि 10 मिनट में बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन हो जाती है। मैं भी बोलता हूं 10 मिनट में ब्लॉक बनता है, पर हम 6 ब्लॉक का वेट करते हैं, 6 ब्लॉक्स। और क्योंकि एक ब्लॉक को 10 मिनट लगते हैं, 6 ब्लॉक्स होने के लिए
एक घंटा लगता है, और एक घंटे तक हमें कोई गारंटी नहीं है कि हमारी ट्रांजैक्शन थ्रू है या नो, क्योंकि मल्टीपल माइनर है, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मल्टीपल माइनर्स को करेक्ट नॉन्स मिल सकती है। ब्लॉकचेन टूट के 5-6 टुकड़ों में आगे बढ़ती जा रही है, फिर अगले लेवल के ब्लॉक बनते जा रहे हैं, 6 ब्लॉक के बाद ब्लॉकचेन चेक करती है कि कितनी चेन बन गई है, उसको दिख रही है कि बहुत सारी बन गई है, तो वो बोलती है सबसे लंबी कौन सी है, उस चेन को वो मानती है और बाकी सारी चेन को डिलीट कर देती है। इसकी वजह से आपकी ट्रांजैक्शन अभी दिख रही है कि थ्रू, और एक घंटे के बाद दिखेगी ट्रांजैक्शन फेल। इसीलिए वो कॉफी की दुकान वाला इंटेलिजेंट आदमी था, वो बोलता था एक घंटा लगता है, उतने टाइम तो आपको लगेगा ही कॉफी पीने में, इसीलिए वो पैसे पहले लेता। तो बिटकॉइन की दुनिया में ऐसा होता है, हम एक घंटा वेट करते हैं, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन जो होती है वो ज्यादातर ऐसी चलती है, क्योंकि माइनर्स बहुत हैं, नॉन्स अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए हम कॉन्फर्मेशंस का वेट करते हैं कि मेरी ट्रांजैक्शन जिस ब्लॉक में थी उसके बाद और कितने ब्लॉक्स आ गए हैं, जितने ज्यादा उतनी मेरी ट्रांजैक्शन सिक्योर। बट याद रखिए, 10 ट्रांजैक्शन के बाद भी कैंसिल हो सकता है, 20 के बाद भी कैंसिल हो सकता है, पर ज्यादातर 6 के बाद नहीं होता, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से 6 तक काफी है। एक क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस टू द रिजेक्टेड चेंज, ऑल वो गई सब फेल। अब हो सकता है कि वो ट्रांजैक्शन बाकी लंबी चेन में भी थी तो ठीक है, पर अगर वो लंबी चेन में नहीं थी और वो छोटी चेन में थी तो वो ट्रांजैक्शन गई, सारी की ट्रांजैक्शन गुल। तो हर ट्रांजैक्शन 6 ब्लॉक की नहीं होती, मैं बोल रहा हूं कि एक ब्लॉक जब बन गया उसके बाद 6 ब्लॉक अगर और आ जाए तो हमें उस ब्लॉक के ऊपर भरोसा होने लगता है कि अब वो कहीं नहीं जाएगा, पर गारंटी नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, और ये मैथमेटिकल फॉर्मूला मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। यूटीएक्सो ट्रेस, अच्छा यूटीएक्सो का कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रिंस बाद में सिखाने वाला हूँ, तो मैं वो आंसर अभी नहीं दूंगा। यूटीएक्सो और अकाउंट बेस्ड जो दो अलग अलग टाइप की ब्लॉकचेन होती है उनके बारे में आपको बाद में सिखाऊंगा। क्या लैंग्वेज में हम ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट करते हैं, तो धर्म यह अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, जो ब्लॉकचेन है वो जैसे बिटकॉइन की है तो C++ में शायद बनी है, आपको वो जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम ब्लॉकचेन नहीं बना रहे अलग, हम एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर को लेके अपनी चेन बनाएंगे या कनेक्ट करेंगे। जैसे हम इथेरियम को कनेक्ट करेंगे, बिटकॉइन को कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बाद में सिखाने वाला हूँ एपीआई, और अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना ले उसके लिए हम आपको सिखाने वाले हैं सॉलिडिटी। तो ऐसी अलग अलग लैंग्वेजेस भी हैं, तो सॉलिडिटी, वाइपर, रस्ट, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेजेस हैं। इन लैंग्वेज में ब्लॉकचेन नहीं बनती है, ब्लॉकचेन तो फिर भी सी, सी प्लस प्लस और उसमें बनती है। ठीक है, तो डोंट वरी संजय, अगर आपको अभी कोडिंग नहीं आती पर इस कोर्स में आप कोडिंग सीखेंगे और उससे आप अपना एज अ डेवलपर करियर बना सकते हैं। इम्प्लीमेंटेड पाइथन इन वन प्रोजेक्ट डेफिनेटली। तो धर्म क्या होता है कि जैसे आपको पता ही है, आप एज अ डेवलपर अगर सपोज नोड जेएस जानते हैं, पीएचपी जानते हैं, जावा जानते हैं, पाइथन जानते हैं, तो आप एपीआई के थ्रू ब्लॉकचेन को कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपको सॉलिडिटी सीखनी जरूरी नहीं है, फिर सिर्फ एपीआई सीखना जरूरी है। बट डोंट वरी, वो आगे जाके आप इस कोर्स में भी सीखने वाले हैं। और कोई क्वेश्चंस? तो अभी एक तो आपके पास बिटकॉइन व्हाइट पेपर तो आ ही गया है, ये वीडियो का रिकॉर्डिंग भी मैं यूट्यूब में डाल के आपको लिंक भेजूंगा, उसके बाद आप इस लिंक को पे जाके इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए, तो एकदम आपके दिमाग में वो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ताकि अगले वीडियो में हम थोड़ा और एडवांस लेवल पे जब जाएंगे तो आपके लिए एकदम क्लियर हो जाए। नितिन का क्वेश्चन है कि सेशन मंडे को होंगे? यस, सेशन मंडेज को होंगे। आपको मेरी वेबसाइट की वो लिंक पता है जहाँ पे वो कोर्स का डेटा है, उसमें मैं ऑलवेज लिंक डालते रहूंगा अगले लेक्चर का, तो आप कभी भी जाके उसमें चेक कर सकते हैं। मैंने आपके लिए एक लिंक्डइन ग्रुप बनाया है हिंदी के लिए अलग, आप उसमें भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं और उससे आप एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको इंग्लिश ठीक है तो मैंने इंग्लिश में इंस्टाग्राम में बहुत सारा मटेरियल डालते रहता हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो इंग्लिश का भी अलग वेब पेज है, उसका अलग ग्रुप है, आप चाहे तो दोनों में भी जा सकते हैं, टोटली अप टू यू। मैं ये कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों साइमल्टेनियसली चलाने वाला हूँ, और पीपीटी का लिंक भी है, मैं आपको यूट्यूब में उधर डाल दूंगा।
जरूर, डोंट वरी अबाउट इट संजय, वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलो, ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू नेक्स्ट मंडे इसी टाइम पे, वी विल स्टार्ट एट द सेम टाइम, बाय बाय।